आपने वो तस्वीर भी देखी जब एक ही बेड पर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हुए एक ही बेड पर लोग देखे गए। हमने वो तस्वीर भी देखी जब महिला अपने पति के मुंह में ऑक्सीजन भरते हुए दिखी, मुंह से ऑक्सीजन भरते हुए, हवा भरते हुए दिखी। और हमने वो भी तस्वीर देखी जब ऑटो में तड़प तड़प कर एक शख्स ने दम तोड़ दिया। कोरोना पॉजिटिव थे, रात में आए थे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। अप्रैल और मई के महीनों में हमने देखा मौत का तांडव होते हुए, हमने देखा कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह से लोगों ने अपनी जान गवाई, अपने परिवार के सदस्यों की जान गवाते हुए उन्हें देखा। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतारों में लगे हुए देखा, अस्पतालों में कतारों में खड़े हुए देखा। लेकिन अब सरकार का जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक दरअसल देश का कोई भी नागरिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं मरा है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रवीण भारती पवार का यह कहना है कि दरअसल राज्य सरकारों ने ऐसा कोई डेटा दिया ही नहीं है जिसके मुताबिक ऑक्सीजन की किल्लत से किसी भी नागरिक की मौत की बात को हम सच मान लें। ये सिर्फ और सिर्फ खबरी बातें हैं उनके मुताबिक। तो आप ये समझिए कि सरकार और सरकार के मंत्री ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की किल्लत से मरा। लेकिन तस्वीरें गवाह है दोस्तों, हमने वो तस्वीर भी देखी जब एक ही बेड पर और ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हुए एक ही बेड पर लोग देखे गए। हमने वो तस्वीर भी देखी जब महिला अपने पति के मुंह में ऑक्सीजन भरते हुए दिखी, मुंह से ऑक्सीजन भरते हुए, हवा भरते हुए दिखी। और हमने वो भी तस्वीर देखी जब ऑटो में तड़प तड़प कर एक शख्स ने दम तोड़ दिया। क्यों? ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। तो आज हम सरकार के मंत्री के उसी बयान की बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे और ये जनता से जानेंगे कि आखिर सरकार के बयान की वो किस तरीके से आलोचना करते हैं, क्या वो सरकार के बयान से सहमत हैं या फिर उनसे मुख्तलिफ कोई राय रखते हैं। तो फिलहाल आप बने रहिए इस वीडियो में और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी की वजह से कई अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी देखने को मिली थी। कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से सरकार को आपात ऑक्सीजन ट्रेन तक चलानी पड़ गई थी। लेकिन संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जो बयान दिया था, देश में ऑक्सीजन की किल्लत से किसी की मौत हुई ही नहीं। सरकार की ओर से संसद में दिए गए इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। लेकिन अब कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के इस जवाब के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के ऑक्सीजन वाले बयान पर लगातार हंगामा हो रहा है और इसको लेकर सियासी पारा भी काफी बढ़ गया है। दोस्तों, ये कोरोना से हुई मौतों का ही नतीजा है और ऑक्सीजन की किल्लत से हुई मौतों का ही नतीजा है कि केंद्र सरकार ने 1200 से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट्स देश भर में लगाने का ऐलान किया था, जो कि जुलाई के आखिर तक लगकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। यानी कि सरकार ने ये माना था उस वक्त कि ऑक्सीजन की कमी देश में हुई थी, देश के लोगों को हुई थी और ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी वजह थी कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को बढ़ाने के लिए। तो इसी के चलते सरकार ने इन प्लांट्स को लगाने का ऐलान किया था। अकेले यूपी में ऐसे कई प्लांट्स हैं, करीब 50 से ज़्यादा प्लांट्स हैं जो कि यूपी में लग रहे हैं और तमाम जगहों पर लग चुके हैं। एक दिन पहले ही बनारस की बात करें हम तो बनारस में एक दिन पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है, दो दिन पहले भदोही में प्लांट लगा है। तो इस तरीके से तमाम ऐसे ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं और कोरोना की तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए ही ये प्लांट्स लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें कि सरकार के बयानों में विरोधाभास है, सरकार की सोच में विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार के मंत्री सदन में कहते हैं कि राज्य सरकारों से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की कोई सूचना नहीं है और दूसरी ओर इससे पहले सरकार के जरिए लगाए गए ये ऑक्सीजन प्लांट्स इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि दरअसल सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार की फजीहत करा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत हुई ही नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई थी। फिलहाल इस सब के बीच हम आपको नितिन गडकरी का वो बयान सुनवा रहे हैं जिसमें वो खुद ऑक्सीजन की कमी की बात कह रहे हैं। एक बार ये बयान भी सुन लीजिए। तो लोगों की जान बचा पाएंगे, इस समय सब तकलीफ का विषय ये था कि ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई, ये अच्छा नहीं हुआ। और इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बायपैक, अब ये यूनिवर्सिटी काफ़ी रिसर्च कर रही है। पुणे में कुछ लोगों ने 25,000 रुपये में एक बनाया है, काफ़ी लोग काम में लगे हैं। हमारे वाइस चांसलर जो है उनको मेरा अनुरोध है कि ऑक्सीजन ये जो कॉन्सेंट्रेटर है, बायपैक्स है, वेंटिलेटर बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कम से कम 600-700 वेंटिलेटर भी लोगों को हॉस्पिटल को इस बार डोनेट किए। हमारे यहाँ मेड़घाट करके तालुका है जहाँ कुपोषण से 2,000 आदिवासी बच्चे मरे थे, तो वहाँ हमने ये किया तो उसका फायदा मिला, काफ़ी लोगों की जान बची। तो हमने देखा कि सरकार के मंत्री ने किस तरीके से राज्यसभा सदन में जवाब दिया और जवाब दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी शख्स की, किसी भी भारतीय नागरिक की मौत हुई ही नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि दरअसल सच्चाई है क्या और हकीकत है क्या। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, आर स्पोर्ट्स हब के मालिक हैं, जिन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को गंवाया है, वो भी ऑक्सीजन की कमी के चलते। रणधीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ही दुख की बात है, और हम ऐसे वक्त में उनसे बात करने के लिए आए हैं कि जब वो उस दुख से अभी उबर भी नहीं पाए हैं, लेकिन इससे हमारी मजबूरी कहें या फिर लोगों के लिए वो सच जिसे जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के बयान में और हकीकत में कितना फ़र्क है, आज ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो रणधीर सिंह जी, आपने अपने परिवार के सदस्य को खोया, बिल्कुल क्या रही पूरी कहानी? हमारे जो है सगे जीजा जो है कोविड में एक्सपायर हुए, और वो भी ये चुनाव के चलते। मेन रीज़न जो उनका था वो ऑक्सीजन की कमी भी था और चुनाव भी था, कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से चुनाव को डेट आगे ना बढ़ाकर उसी सेम टाइम में कोरोना पीरियड में ही करवाया। और पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें ही थे, इन्वॉल्व थे, और उसी की वजह से ही मेन उनको कोविड हुआ, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई और 1 तारीख को वो एक्सपायर हो गए थे। तो सरकार का जो कहना है कि राज्य सरकारों से ऐसी कोई सूचना दरअसल मिली है? सरकार का देखिए कहना ऐसा होता है ना कि जब जिसको जिस पे बीतती है वो जानता है, आप समझिए अगर उन पे बीती होती है, उनके किसी परिवार पे बीती होती, तो वो बिल्कुल इस बात को मानते कि हाँ ऑक्सीजन की कमी थी, लोग परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना कि उन पे तो बीती नहीं गई, उनके पास तो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आम जनता मर रही है, आम जनता के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, कहाँ जाएगा? और ये सबको पता है कि ऑक्सीजन बहुत मात्रा में कम था, आदमी इतना परेशान था कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहा था, कि हम हॉस्पिटल अगर जाएंगे तो वहाँ हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी और हम घर में ही रहकर अपना इलाज कर पाएंगे, हॉस्पिटल में नहीं। अच्छा, आपने ऑक्सीजन की कमी का जिक्र किया, क्या हुआ था, कैसे मतलब ऑक्सीजन आप नहीं कर पाए, प्रबंध नहीं कर पाए, कैसे क्या? हॉस्पिटल्स भी हम लोग गए थे और वहाँ पे भी बहुत भीड़, बहुत लाइन, एक आदमी नहीं है, 50,000 आदमी वहाँ पे लाइन लगा के खड़ा हुआ है। किस किस को चीज़ें प्रोवाइड कराते, या तो पहले से इनके पास तैयारी होती, जब पहले से चीज़ें तैयार नहीं थी तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी जनसंख्या है, आप किस किस को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराओगे? तो मेन रीज़न इनका ये भी था कि तैयारी अधूरी थी और चीज़ें एकदम से सामने आ गई। अच्छा, चीज़ें एकदम से सामने आ गई, उसके बाद हमने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो काल के गाल में समा गए। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला किया कि देश के अलग अलग राज्यों में, ज़िलों में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान, ताकि इतनी भारी तबाही ना हो, उसी से बचाव के लिए सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का वादा किया, और ऑक्सीजन प्लांट्स लग भी रहे हैं, और जुलाई के आखिर तक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्लांट्स जो हैं वो जुलाई के आखिर तक लगकर तैयार हो जाएंगे। तो रणधीर, ये जानेंगे कि एक तरफ तो सरकार का जवाब है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं है, और दूसरी ओर सरकार जो इससे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, आखिर ये क्यों? आपको अगर प्री प्लान कुछ करना है तो आप पहले करो, ताकि आप उस समस्या से लड़ सको। अब तो जिसके घर में एक्सपायर हो गया है, अब आप ऑक्सीजन का प्लांट लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो तो वापस नहीं आना ना।
तो अगर आप ये तैयारी पहले करके चलते तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा होता हमारे लिए भी और हम जनता सबके लिए। अच्छा, आखिर में अगर सरकार से आप कोई अपनी बात या कोई अपना प्रश्न या फिर सरकार से कोई सलाह अगर आप रखना चाहें देना चाहें। मैं सिर्फ एक चीज़ ये चाहता हूँ कि जिनके परिवार से कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हुआ है कोविड में, खास तौर पे कोविड में, उनके परिवार का अगर कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है और जो व्यक्ति ख़त्म हुआ है कोविड में, तो उनके लिए ज़रूर ऐसा कुछ करें कि उनका उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है और इसको उन्हें अच्छे से निभाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है उन लोगों को मुआवजा देने को तैयार नहीं है, उनके परिवारों को, मृतक आश्रितों। यही तो भाई सबसे बड़ा रीज़न ही तो यही है कि पहले आपने जानबूझ करके उन लोगों को मारा और उसके बाद उनके पीछे जो लोग बचे हैं उनको भी अब आप मार रहे हो। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करते हो तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके घर जो कमाने वाला मेन मुखिया था वही अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो अपने पढ़ाई है, अपने आम खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरे करेंगे। इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं के हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं वो बेचारी महिलाएँ कहाँ जाएंगी। सही, तो आपने देखा, हमने देखा कि किस तरीके से सरकार का बयान एक तरफ है लेकिन दूसरी ओर वो सच्चाई है जो अभी अभी हमने और आपने रणधीर सिंह की जुबानी सुनी है। ये बताएं कि कोरोना टू आपने देखा, कोरोना टू में आप कहाँ थे? मैं लखनऊ में ही थे। अच्छा, लखनऊ में आप थे, इसका मतलब आपने कोरोना टू में हर वो चीज़ें देखी जो हुई। आपने क्या कोरोना टू में ऑक्सीजन की कमी देखी क्या? जी बिल्कुल देखी, और ऑक्सीजन की कमी से किसी को जान गंवाते देखा सुना? जी, बहुत लोगों की मौत गई, मौत हुई। अच्छा, सरकार ने संसद में जवाब दिया है जी कि कोरोना टू में ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं और किसी की जान नहीं गई इसकी कमी। नहीं, सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, काफ़ी लोगों की जान गई है ऑक्सीजन ना मिलने पर। मैंने खुद देखा अपनी आँखों से काफ़ी लोगों को मरते हुए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अगर एक बात सरकार से कोई कहना चाहें, कोई अपील या कोई, आप अगर सरकार तक अपनी बात कोई कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि मतलब ऑक्सीजन ना मिलने पर काफ़ी लोगों की मौत हुई है और सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, छुपा रही है। भाई साहब, आपका नाम बता दें। मेरा नाम रामभूषण है। रामभूषण, ये बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आप कहाँ पर थे? मैं लखनऊ में ही था। आप लखनऊ में थे, यानी कि आप यूपी के हालात से बखूबी वाकिफ हैं। तो क्या आपने कभी देखा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी ने अपनी जान गंवाई हो? हाँ, आपके आस पड़ोस में, आपके जानने में? बिल्कुल, मेरे रिलेशन, मेरी फैमिली में खुद हैं एक दो लोग, और न्यूज़ में मैंने खुद ही देखा, मैंने हॉस्पिटलों की हालत देखी न्यूज़ में। अच्छा, आपके घर में क्या हुआ था, ज़रा हमको बताइए कि आपके घर में कैसे जो शख्स बता रहे हैं आपके? हाँ, मेरे एक कह सकते हैं चाचा के लड़के हैं, उनके पिताजी ख़त्म हुए। अच्छा, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से। अच्छा, तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई? बिल्कुल हुई हैं मौतें ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, मैं मुझे ये बहुत ज़्यादा नहीं पता कि ज़्यादा लोग मरे हैं कि कम, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरे हैं। लेकिन रामभूषण, आप ये बताइए कि सरकार के मंत्री का बयान है अभी राज्यसभा में, मंत्री कह रहे हैं, मंत्री जी, कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई। नहीं, ये मेरे जानने में ही लोग मरा है। नहीं, तो आप सरकार के इस बयान को कैसे देखते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है? अब हम ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है उन्हें पता ही ना हो, अब हम क्या बताएं, हो सकता है उन्हें ना नॉलेज ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें आपको पता है, हम सब ने अपने आस पड़ोस में, देश में, टीवी चैनलों पर, अखबारों में देखा, लेकिन सरकार को वो चीज़ नहीं पता, ऐसा कैसा संभव है? हाँ बिल्कुल, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मैंने देखा है ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोग मरे हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जो है वो झूठ बोल रही है। भाई साहब, आपका नाम बता दें। मेरा नाम गौरव है, मैं लखनऊ से हूँ। गौरव जी, बताएं कि कोरोना टू के समय आप कहाँ थे और क्या कोरोना टू के समय आपने ऑक्सीजन की कमी देखी क्या? हाँ, मैं लखनऊ में ही था। लखनऊ में जितनी कमी थी मैंने अभी तक कहीं पे नहीं देखी। जिस हिसाब से लोग यहाँ पे बिलक रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लोग लाइन लगे हुए थे, मिल ही नहीं रहा था। लेकिन सरकार ने संसद में जवाब दिया है, राज्यसभा में, सदन में, कि कोरोना टू में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। ऐसा वो सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, क्योंकि आप हर कॉलोनी से जो है सब पॉजिटिव हुए हैं, सबको ऑक्सीजन की कमी हुई है। एटलीस्ट हर घर में, दूसरे घर में जो है आप जाके अगर पता करते हो तो जो है एक ऑक्सीजन का जो है केस आपको ज़रूर मिलेगा कि मैंने ये दर्द उठाया है। कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग तड़पे हैं,
कितने कितने छोटे छोटे बच्चे जो है रोडों पे पड़े रहे, नहीं मिला, लोग दौड़ते रहे, बिलखते रहे, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। बाहर पुलिस जाओ तो वो कहती कि उनके पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वो सुनने को राजी नहीं है, कोई है ही नहीं, किसके पास जाए। तो क्या लगता है कि सरकार का एजेंडा क्या, अगर सरकार झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है, साफो साफ झूठ बोल रही है। तो इसके पीछे सरकार का एजेंडा क्या, आखिर झूठ बोलकर जनता को क्यों बरगला रही है? देखिए जनता ठीक है, बट सरकार जिस तरह से गुमराह कर रही है लोगों को वो बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। तो जो है मैं इसके लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। अच्छा, आप अगर सरकार से अपील करना चाहें, अगर एक अपील अगर आप कोई भी सरकार से करना चाहें, कोरोना 2 के बाद हम देख रहे हैं कि 3 जो है कोरोना वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस वो जो है आने को है, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और साथ ही साथ लोगों से भी? देखिए जिस हिसाब से जो गलतियां इन्होंने उठाई करी हैं, मैं नहीं चाहता कि अभी सरकार जो है फिर से ये कदम ले। मैं चाहता हूँ जितना अच्छे से अच्छा वो कर सके, लोग जितना तड़पे हैं अब ये थर्ड वेव में ऐसा कुछ भी ना हो। और मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जो जितना लोगों को हेल्प कर सके करे। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी बात हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है कोरोना 2 में, लेकिन ऑक्सीजन के इतने प्लांट्स हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में लग रहे हैं। अगर कोरोना से अगर कोरोना में अगर ऑक्सीजन से मौत ना हुई होती कमी से, तो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती आखिर, क्या कहेंगे आप? देखिए अगर सरकार ये कह रही है कि जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, उससे कोई नहीं मरा है, तो फिर जो है अब बैकुंठधाम में जाके उन्होंने टीने क्यों लगवाई, क्यों लोग वहाँ पे ऐसे इतनी भीड़ लगी रहती, क्यों रात को 11-11 बजे तक खड़े रहते थे? बिल्कुल, बैकुंठधाम में हम सब ने देखा कि किस तरह से तमाम चिताएं जो हैं वो जल रही थी और टोकन बकायदा जो है कई कई घंटों पहले जो है बुकिंग होता था। ठीक है, थैंक यू गौरव भाई। थैंक यू।